हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज हम पुराने स्क्रबर, प्लास्टिक स्क्रबर की मदद से बनाने वाले हैं बहुत ही यूज़फुल चीज़। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। तो गाइज, मैंने स्क्रबर इसलिए यूज़ किया है ताकि इसका नेट जो होता है काफ़ी थिक होता है और काफ़ी मज़बूत होता है, ज़्यादा टाइम तक ये चलता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्रबर का यूज़ किया है और इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। बहुत ही इजीली ये ओपन हो जाएगा। मार्केट में आपको 5 या 10 का ये आसानी से मिल जाएगा। तो इसको हम कट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, बराबर से हम इसको कट कर लेंगे और बीच से हम इसको ओपन कर लेंगे। इस तरीके से बीच से भी हम इसको ओपन कर लेंगे। इसी तरीके का हमें एक और चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का भी एक लिया हुआ है और इन दोनों को अब हम एक दूसरे में इस तरीके से लंबाई से हम इसकी जॉइंट कर देंगे और फिर दोनों को इस तरीके से ओपन कर देंगे। तो गाइज, यहाँ पे मैंने दोनों को अच्छे से जॉइंट कर लिया है। मशीन से आप इसे ईज़िली सिल सकते हैं और ये देखिए, इस तरीके से ये ओपन हो गया है। और अब हमें आपको जितनी इसकी चौड़ाई रखनी है उसी हिसाब से आपको पट्टी लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई ली हुई है। जो चौड़ाई है आपकी वो हाइट रहेगी और जो लंबाई है वो आपकी लेंथ में आएगी। तो इस तरीके से हम पहले इसकी हाइट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी हाइट ली हुई है 6 इंच 6.5 इंच की हाइट यहाँ पे मैंने ली है। और आप जितना चौड़ा आप इसको बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसकी चौड़ाई भी ले सकते हैं नीचे की ओर से। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया है, डबल फोल्ड कर हमें इसकी इस तरीके से दोनों को बराबर में कट करना है। तो आप चाहे तो लगाने के बाद कट कर सकते हैं या तो फिर लगाने से पहले। और इसकी मैंने 11 इंच लगभग चौड़ाई ली हुई है डबल करके, यानी कि 22 इंच की पट्टी है। और इसको हमें इस तरीके से नीचे की ओर लगाना है और 22 इंच तक ये पूरा आ जाना चाहिए। तो इतना हम लेंगे। ये देखिए, यहाँ तक मेरा पूरा आ गया है। तो आप कट करके भी लगा सकते हैं या तो फिर आप पहले लगा लें उसके बाद आप इसकी चौड़ाई को कट कर लें। तो यहाँ से मैं इसको निकाल दूँगी। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से जॉइंट कर लिया है और ये काफ़ी इजीली सिला भी जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिल लेंगे। और इसी तरीके से हम ऊपर भी एक पट्टी लगाएंगे। अभी नीचे का पार्ट हमने नहीं बंद करना है। इसी तरीके से हम ऊपर की ओर भी एक पट्टी देंगे, लेकिन इसको हम डबल करके डबल फोल्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने इस तरीके की पट्टी ली हुई है चौड़ी 5 इंच की और इसको मैंने डबल किया है और इसको भी हमें लगाना है। लेकिन इसको लगाने से पहले हमें जो इसका कॉर्नर वाला पार्ट है उसको भी फोल्ड कर लेना है और साइड से हमें इसको बंद नहीं करना है। ये देखिए, यहाँ से हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करके और फिर इस तरीके से हमें इसमें जॉइंट करना है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने इसको भी लगा दिया है इस तरीके से, देखिए। और अब हम इसको उल्टे तरफ से फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक की हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। और रेड वाला जो हमारी पट्टी है उसके नीचे ही तक हमें स्टिचिंग करनी है, उसके ऊपर नहीं करनी है, उसको बंद नहीं करना है। तो आप चाहे तो इस पे और भी कई पट्टियाँ लगा सकते हैं।
यहाँ से मैंने देखिए इसको सिल दिया है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से इसके कॉर्नर को निकाल लेंगे। और ये बनकर रेडी हो गया है। और अब हमें जो यहाँ पे हमने इसकी पट्टी को ओपन किया था साइड से, ये धागे वागे हम सारे कट कर लेंगे। तो जो पट्टी हमने ओपन की हुई थी यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों ओपन है। और इसको हम इसमें हम एक डोरी लगाएंगे। तो डोरी लगाने के लिए आप किसी भी डोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप खुद की पट्टी बनाकर लगा सकते हैं इस कपड़े की। तो यहाँ पे मैंने एक पतली पट्टी ली हुई है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो कॉर्नर से भी इसको फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद हम इसको इसके अंदर इन करेंगे। तो आप पिन से भी इसको इन कर सकते हैं या तो फिर मैं ऐसे ही इसको इन कर दूँगी। काफ़ी चौड़ा इसका फोल्ड है तो मैं इजीली इसको इन कर सकती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें अच्छे से इसको इन कर लेंगे। आप लेस का या डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, अगर आपको पट्टी नहीं बनानी है तो। और इस तरीके से हम इसमें अच्छे से डाल देंगे इसको। ये देखिए ये बनकर रेडी हो गया है। और इस तरीके से बनाकर हम बहुत ही ये काम की चीज़ होगी। और इस तरीके से आप इसको बनाकर आप कई तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, किचन के लिए, रूम के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के खिलौनों के लिए। खिलौने बच्चों के इधर उधर फेंके रहते हैं तो आप इसमें अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। या तो फिर आप किचन में इसको रख सकते हैं, गाड़ी को किचन में। और भी कई चीज़ें इसमें आ सकती हैं, पोटैटो वगैरह आप रख सकते हैं इसमें, लहसुन वगैरह रख सकते हैं, जिससे कि इसमें एयर रहेगी और ये काफ़ी दिनों तक आपका सामान ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बच्चों के लिए भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किचन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहे तो वार्डरोब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप इसमें छोटे मोटे बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, सॉक्स वगैरह रख सकते हैं, नैपकिन्स वगैरह रख सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने इसके और भी पीसेस बनाए हैं पिछली वीडियोज़ में, तो आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं। तो वो मैंने स्पेशली किचन के लिए बनाया था। तो ये अब मैंने थोड़ा सा इसको चौड़ा रखा है ताकि हम इसमें बच्चों के और भी सही सामान रख सकें। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना यूज़फुल था। बाय बाय, टेक केयर।